फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज ये हम वीडियो जो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, बीएड वर्सेस बीटीसी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हर जगह पे ऐसा लग रहा है कि 1-5 से बीएड को बाहर किया जाएगा या नहीं, इसमें जो है क्वेश्चन एक बना हुआ है। तो ये वीडियो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में यूटेट यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, उसमें जो है बीएड के लिए क्या डिसीजन लिया गया है, हम उस पर बात करने वाले हैं। क्या 1-5 में जो है बीएड को मौका दिया जा रहा है या नहीं, ये सभी चीजें जो है हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का हिट कर दीजिए। यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो दिया जाता है, स्पेशली बीएड जो है 1-5 में रहेगा या नहीं रहेगा इस पर जो है चर्चा की जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप जो है चाहते हैं कि बीएड जो है 1-5 में रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का जो है विचार इस पर क्या है। चलिए, पीछे हम आप देख रहे हो उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले सबसे पहले मैं बता दूं फॉर्म फिलअप का डेट क्या है। तो आप लोगों का जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल सबमिशन का लास्ट डेट जो है 28 जुलाई है, स्टार्टिंग जो है 30 जून से हुआ है और 28 जुलाई तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन जो है 31 जुलाई है, 31 जुलाई तक जो है आपको ये यूटेट का फॉर्म फिल करना है। यूटेट मतलब कि जस्ट लाइक आपका सीटेट टाइप का है, तो लेकिन उत्तराखंड में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जा रहा है, जैसे यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है, वैसे उत्तराखंड का टेट है। तो इसको आप फिल करते हो तो फिर वहां पे जो वैकेंसी आएगी आप उसको फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, अभी आगे हम इसके जो ये दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है, न्यूनतम अर्हता जो दी गई है कि कौन कौन लोग जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे, उसमें बीएड को लेकर के क्या बोला गया है, पूरे स्क्रीन में मैं कर दे रही हूँ जिससे कि आप लोग खुद से भी रीड कर पाओगे, है ना। चलिए यहाँ पे देख लो, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता। सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि 1-5 का है ये, यूटेट 1 पेपर 1 होगा ये, और ये 1-5 के लिए है। इसमें जो है बीएड को रखा गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा डीएलएड के लिए है। फिर 45% के अकॉर्डिंग जो है डीएलएड बीटीसी इसके लिए है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक के लिए 4 वर्षीय डीएलएड है। आगे देखेंगे हम, यहां पर आप देखो ये विशेष शिक्षा का है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा बीएड को लेकर के, बीएड यहां पे लिखा हुआ भी है। देखो बीएड वाले लोग जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। 1-5 पे जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जा रही है उसमें 1-5 में बीएड को शामिल किया गया, यानी कि बीएड वाले कैंडिडेट भी 1-5 का जो है पेपर 1 का उत्तराखंड का एग्जाम दे सकते हैं। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि सीटेट ने भी शामिल करके रखा हुआ है 1-5 में बीएड को, और अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी नहीं है कि जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन एक बात इसमें कह दी गई है क्लियर तौर पे कि जो भी 1-5 वाले में बीएड कैंडिडेट है, वो जो वहां से नोटिफिकेशन आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसके अंतर्गत ये रखा जाएगा। एंड दूसरी बात ये बोला गया है कि 1-5 अगर जो पास करते हैं, यूटेट पास करते हैं, उसके बाद 1-5 में ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनको जो है 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये चीजें भी इसमें बता दी गई है। तो मतलब ये है कि रखा तो जा रहा है लेकिन जो भी कंडीशन है उसको बिल्कुल क्लियर तौर पर जो है बता दिया जा रहा है। जैसे यहां पर आप देखोगे, यहाँ पे बोला गया 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण में 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा, अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण, ये ठीक है। समस्त शैक्षिक उपाधियां प्राप्त में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्नातक एनसीटी की मात्रा जो है प्राप्त करके जो किया गया है वही है। यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होगी वो आप लोगों को जो है ब्रिज कोर्स के करना है ये बताया ही गया है, लेकिन पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति है तो विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर विचार किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। और दूसरा चीज कि आप लोगों को ब्रिज कोर्स करना होगा 1-5 का, ये क्लियरिटी जो है पूरी तरीके से दे दी गई है। तो ये भी एक तरह से गुड न्यूज है। स्टेट जितने भी हैं वो तो सपोर्ट में है ही कि 1-5 में बीएड को रखा जाए। फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो क्या फैसला दे रही है।
जैसे हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत जल्द आपको अब देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट वेट कीजिए, अब इंतजार जो है ये खत्म होने वाला है। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप करते रहो, उसमें कोई भी आप जो बोलते हैं ना कि उसमें केयरलेस मत हो, उसमें आप तैयारी करो। इधर से जो भी डिसीजन आएगा हम आपको जो है बता देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है, बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपको ला करके डेफिनेटली देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।